सर्दियाँ आती हैं और अपने साथ बढ़िया बढ़िया हरी हरी सब्जियाँ लाती हैं और उनको हम बना बना कर खाते भी हैं, सबको बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसमें से मेथी भी एक सब्ज़ी है जिसे बच्चे खाने में बहुत नानुकर करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी आलू मेथी मटर, जिसे बच्चे फटाफट खा जाएंगे। और बच्चे क्या, कोई भी किसी को भी आप खिलाएंगे तो उसे बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मेथी का एक गट्ठा लेकर, जो कि आधा किलो के लगभग था, उसे अच्छी तरह से पत्ते पत्ते तोड़कर और अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। अब हम इसके इस तरह से काट लेंगे। मेथी काटने में परेशानी हो तो एक बार आप इस तरह काट के देखिए। थोड़ी थोड़ी मेथी हाथ में लीजिए और कैंची की हेल्प से उसको काट लीजिए। बड़े आराम से जितनी चाहे हम बारीक मेथी को इससे काट सकते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन में सबसे पहले एक चम्मच देसी घी लेंगे और जो मेथी हमने काट कर रखी थी उसको इसके अंदर डाल देंगे। मेथी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और 5 मिनट के अंदर ही हाई फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है। लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट लगेंगे और मेथी सारी भुज जाएगी और आप देखो कितनी थोड़ी सी रह जाएगी, जबकि मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही ये मेथी थी। और देखिए इसमें से कितना पानी रिलीज़ हो रहा है। ये जो पानी है, जब हम इसको इवेपरेट कर देंगे तो इसके साथ सारी कड़वाहट भी इवेपरेट हो जाएगी और देसी घी की वजह से इसका रंग बिल्कुल हरा रहेगा। एक बार इस मेथी को आप बनाने का ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद आप आलू मेथी मटर जब भी बनाएंगे तो आप इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के अंदर ही हम मेथी को भूनकर अलग रख देंगे। अब मैंने 2 चम्मच के लगभग सरसों का तेल लिया है और इसमें मैंने 4 से 5 बड़े बड़े आलू मोटे मोटे पीसेस में काट लिए थे। ज़्यादा छोटे पीस करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। क्योंकि अगर बच्चों को खाली आलू मटर खाना हो तो हम इसके अंदर से आराम से निकाल कर दे भी सकते हैं। इस तरह से ये देखिए 2-3 मिनट के अंदर ही आलू भी जो है मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। जैसे ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे इसका मतलब ये 60 से 70% तक कुक हो चुके हैं। बस अब हम इसे भी अलग से एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अभी भी कढ़ाई के अंदर देखिए आप 1 चम्मच के लगभग ऑयल बचा हुआ है तो मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल जो है इसके अंदर और डाला है। अब हम इसके तेल को गर्म करने के बाद जब इसमें से धुआं उठने लग जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून के लगभग हम हींग डाल देंगे। इस सब्ज़ी के अंदर हमें बहुत सारे मसाले डालने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट के वो इसके अंदर डाल दिया है। जब प्याज हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक भून लेंगे तो इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च जो है वो भी हम बारीक काट के डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, बस इसमें प्याज अदरक और हरी मिर्च डाली है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। जब प्याज अच्छी तरह भून जाएगी तो अब हो गई गड़बड़, वीडियो ऑन करना ही भूल गई। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसमें जो मसाले डाले हैं मैं वो ऐसे ही बता देती हूँ। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के डाल दिए। और जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो हम इसके अंदर 1/2 कप के लगभग मटर डाल देंगे। इस तरह आप एक बार आलू मेथी मटर बनाकर देखिए, आपको सब्ज़ी का बहुत ही डिफरेंट और बढ़िया टेस्ट आएगा। मटर को 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसके अंदर जो मेथी हमने घी में फ्राई करके रखी थी वो इसको अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ना तो ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए घी में मेथी अच्छी तरह फ्राई करने के कारण इसका हर रंग जो है बिल्कुल हरा बना हुआ है। आप भी एक बार आलू मेथी की सब्ज़ी को इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे क्योंकि मेथी ऑलरेडी पकी हुई है, ताकि मटर भी अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसके अंदर जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि इस समय आलू हमारे काफ़ी हद तक पके हुए हैं। तो ज़्यादा तेज़ी से या जोर लगा के मिक्स करेंगे तो आलू जो है वो भरता बन जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि आपने हमारी सब्ज़ी ख़राब करा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। अब हम ढककर इस सब्ज़ी को 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट हुई दाल चावल और फुलके के साथ लगती है। ऐसे आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, इवन आप इसे ब्रेड स्लाइस के साथ भी सर्व कीजिएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि मेथी में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रह गई। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप चाहें तो, जैसे अगर बड़े जने हैं तो आप 4-5 हरी मिर्ची और काट के डाल दीजिए इसमें ऊपर से, फिर देखिए क्या लाजवाब स्वाद आने वाला है। आप खुद मुझको मैसेज करके यानी कमेंट करके कहेंगे कि बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई थी। एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आलू मेथी तो आपके घर में बनती होगी, एक बार इस तरह बनाकर देखें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट लगने वाला है। और इसमें हमें अमचूर डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं।
आप चाहें तो हम टमाटर की जगह अमचूर डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी हुई कंप्लीट। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल इजी एंड टेस्टी को और मेरी मदद कीजिए। थैंक यू।